अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नैपटेक बैच 4 के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी वेट कर रहे थे बैच 4 के हवाले से कि बैच 4 कब तक के आएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ होगा। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके नैपटेक की फीस मिल जाएगी, जिसमें मैंने बैच 1 से लेकर बैच 2, बैच 3, बैच अनाउंस होते हैं तो मैंने जो है सब्सक्राइब सारी वीडियो बनाई हुई थी। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं कि पिछले नैपटेक बैच में जो है किस तरीके से अप्लाई किया था हम लोगों ने, और क्या क्या इंस्टीट्यूट थे जो आप लोगों को किस तरीके से आप लोग ऑफर दे रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नैपटेक बैच 4 में। तो पहले बता दूँ, नैपटेक का जो बैच 1 अनाउंस हुआ था, 1, 2, 3 वो प्रॉपर चल रहे थे, और नैपटेक का जो बैच 4 है काफ़ी डिले हुआ है ड्यू टू पॉलिटिक्स इशू, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट चेंज हुई जिसकी वजह से काफ़ी डिले हुआ है, यानी कि इस वक्त जो है आप लोगों की तकरीबन 3 से 4 महीना कोर्स हो चुका होता है, ठीक है, जो कि ये लोग अभी अनाउंस कर रहे हैं। तो काफ़ी लेट हुआ है इस बार, लेकिन खैर अब अनाउंस हो गया। आप देख लेते हैं किस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई करना है। मैंने चीज़ें देखी, थोड़ी बहुत उन्होंने चेंजेस किए हैं, थोड़ी बहुत उन्होंने और इसमें स्ट्रिक्टनेस कर दिया। तो आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वेबसाइट लिखी हुई आ रही है आपके स्क्रीन पर, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लिंक है, ठीक है, आपने इसको कॉपी कर लेना। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, ठीक है। अब जाके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये स्क्रीन होने के बाद आप लोगों के सामने फ्रंट पे जो है ये जो है आपको बार खुल जाएगा, ठीक है। इस पर लिखा हुआ भी है बैच 4 दाखिल जा रही है, ठीक है। तो ये जो है मुफ्त ट्रेनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर टेक्निकल स्किल भी है, सॉफ्टवेयर स्किल भी है, सारी स्किल्स भी है। इसके अंदर काफ़ी कोर्सेज होते हैं, IT के कोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर के कोर्सेज होते हैं, ब्यूटिशियन के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, और प्लम्बर वगैरह के कोर्सेज वगैरह होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये 6 महीने का कोर्स होता है, कुछ इंस्टीट्यूट में 3 से, जैसे कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है, वो 3 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी जो है वो कोर्सेज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम सबसे पहले आपका स्क्रीन कार आप इस पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक आप लोग न्यू टैब में ले जाएगा, ठीक है। तो न्यू टैब में जो लिंक दिया हुआ आप लोगों को, ये लिंक चाहते हो आप इससे भी डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। लिंक मैं कैसे कर रहा हूँ, ये लिंक है, अगर आप फिर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास तारीख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना चेंजिंग ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप लोगों ने साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका NIC में नाम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ फिल करना है, अपना NIC नंबर लिखना है, ठीक है, ईमेल लिखनी है, और मेक श्योर है कि ईमेल टाइप करते हुए @gmail की स्पेलिंग चेक कर लें आप। मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है, यूज़र नेम और सीनेसी ऑफ, ठीक है, सीनेसी जब यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डाल देना है। जैसे फिर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास ईमेल जाएगी, ईमेल पर जो है जो आप लोग को कोड दिया जाएगा, ठीक है। वो कोड आप लोगों ने एंटर करना है, जैसे आप एंटर करेंगे तो फिर लिखा हुआ आएगा कि आप एक दिन वेट करें, ठीक है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने एक दिन वेट करना है, वो वेरीफाई करेंगे, वहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा कि इस डेट को आप इस टाइम पे जो है आपका एक्सेस लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो तकरीबन अगर आप अभी करेंगे तो तकरीबन एक दिन का टाइम लेता होगा। 4 तारीख है, अगर मैं आज अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो तकरीबन कल 5 बजे, यानी कि 5 तारीख को 10 बजे जो है वो मुझे एक्सेस दिया जाएगा लॉगिन करने का, ठीक है। तो आपने इस तरीके से कर लेना है, बहुत आसान है। तो मैंने कर लिया तो मैं साइन इन करूँगा, ठीक है। यहाँ साइन इन करते हैं, आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि आप लोगों ने अगले दिन जो है वो आपने इतने बजे आप लॉग इन करना है, ठीक है। एक दिन का टाइम लेते हैं, 24 घंटे का टाइम लोग एक्सेस करने में, अकाउंट को वेरीफाई करने में लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल, जैसे कि आपने यहाँ पर जो है अपना यूज़र नेम डालना है तो NIC से आराम से लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन एक दिन वेट करने के बाद यहाँ पर जो है ये स्क्रीन खुल जाएगी, यहाँ पर प्रोफाइल लिखी हुई आ रही है, ठीक है। तो एंटर योर फुल नेम एज़ पर योर CNIC, जो CNIC में आपका नाम लिखा है वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आपने जो अपनी फ़ोन नंबर, एक्टिव फ़ोन नंबर देना है, और आपने एक्टिव ईमेल देनी है, ठीक है। तो यहाँ मेंशन किया गया, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्म को, ठीक है, यहाँ पे नाम है, ठीक है, फादर नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, डुमलो साइड है, डिस्ट्रिक्ट है, पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, और ढूंढ कर लेते हैं RU, ठीक है। इसमें से आप अगर जो भी आपकी कैटेगरी में आते हैं आपने यहाँ पर मैंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप मैंशन कर सकते हैं कोई ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। हाफ़ कुरान है आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी जो है वो इंग्लिश अपलोड करनी है, यहाँ पर अपना NIC अपलोड करना है। क्वालिफिकेशन के लिए आप लोगों के पास सारे जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है वो आपने करनी है। सपोज अगर मैंने बैचलर्स किया हुआ तो आपने जो है बैचलर्स करना है, इंस्टीट्यूट नेम और जो आपका CGPA है वो करना है, ठीक है। और आपने एड क्वालिफिकेशन क्लिक कर देना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लास्ट के लिए इंटरमीडिएट किया था, जो भी आपने किया है मैट्रिक इंटरमीडिएट, वो सारे आपने फिल कर देना है। फिर उसका इंस्टीट्यूट नेम कहाँ से किया था और उसका गेट का किया था, वो सारा करने के बाद आपने क्वालिफिकेशन क्लिक करना है, वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया यहाँ, ठीक है। तो ये है मेन चीज़, यहाँ पर आपको सिटी नेम दिया गया सारे, ठीक है, सिटी नेम दिया गया यहाँ पे आप लोग सारे, तो आप देख लें इसके अंदर कौन सा आप लोग का सिटी वगैरह आता है। फिर ट्रेड में जो है आप लोग के यहाँ पे जो है वो कोर्सेज का नाम आएंगे ट्रेड में, ठीक है। क्या मैं आप लोग को दिखाऊँ यहाँ पर डॉक्टर सपोर्ट में, आप यहाँ पर जो है देखें कोर्सेज का नाम आएंगे, ठीक है। तो ये कोर्सेज आएंगे, जैसे कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे
यहाँ पे आप लोग के फिर इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे, यानी कि इस्लामाबाद के अंदर जो कोर्सेज करवा रहा है ई कॉमर्स, वो कौन से करवा रहा है, ये इंस्टीट्यूट सारे करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग के पास ये सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करने का सिंपल यही है, फिर आपने सारा फिल करना है, तो फिर आप लोग का फॉर्म सबमिट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना डाटा फिल करता हूँ, फिर आप लोगों को आगे शो करता हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। अच्छा, तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने वीडियो पोस्ट की थी, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे स्क्रीन पे ही आ रहा है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सून यू विल बी नोटिफाई अगेंस्ट योर रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इशू ये है कि पॉलिसी मैंने सख्त कर दिया, अगर मैं आप क्लिक करूँ बैक टू होम पे, कि यहाँ पर मैं अपना NIC डालूंगा, तो जैसे मैं साइन इन करूँगा तो ये मुझे कोई अटेट का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो पहले अगर आप मेरी वीडियो से जाके देखें, जो मैंने नफ्टकी बनाई है, उसमें आप जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था, स्टडी किया था, उसमें भी आप कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो 5, 6, 7, 8 कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, इवन कि एक ही इंस्टीट्यूट में आप डिफरेंट कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते थे। ये बैच 1, 2, 3 तक था। अब 4 में मैंने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दी है, आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसके लिए एडिट का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो मेरे पीछे कह रहे हैं, मैंने आपको दिखाया कि लास्ट में अगर आप जाकर ट्रेड्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए 3 ऑप्शन आएंगे, पर 1, 2, 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपने जो है वो ट्रेड पे क्लिक नहीं करना, आप जाएँ इंस्टीट्यूट नेम पे क्लिक करें, चेक करें कौन से इंस्टीट्यूट कौन से कोर्सेज करवा रही है, एक जगह नोट कर लें। जब आप नोट कर लें सारे कोर्सेज के कौन से इंस्टीट्यूट जो करवा रही है, लेट सपोज कराची की बात करते हैं, कराची नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, मलिर, कोरंगी, ये आते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक किया, कोर्सेज जो मुझे स्टडी करने वाले कोर्सेज पर क्लिक किया, वो कौन से इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, सारे मैंने एक जगह नोट कर लिया। उसमें से मैंने बेस्ट सेलेक्ट किए 3, तो 3 आप लोगों ने नोट करना है, फिर आपने अप्लाई करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने एक मतलब वो कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए तो वो फिर दोबारा एडिट नहीं होंगे, ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा था जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, उसकी वजह ये है कि मैंने खुद से पहले स्टॉप करके बनाया है, सबमिट किया, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में 3 ऑप्शन आएंगे, जो आप पहला सेलेक्ट करेंगे वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। जो आप सेकंड सेलेक्ट करेंगे वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, और जो थर्ड सेलेक्ट करेंगे वो आपकी थर्ड प्रायोरिटी होगी, यानी कि एक वक्त में आप 3 इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने नई पॉलिसी निकाल दी, इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने सिर्फ ये सोच के अप्लाई करना है कि एडिट नहीं होगा, जो आपने फर्स्ट टाइम गलती से क्लिक कर दिया तो क्लिक हो जाएगा। तो आपने बहुत सुकून से सोच समझ के सारे कोर्सेज एक जगह नोट कर लेने हैं, और जो भी ट्रेड में अप्लाई करना है, जो आप पहला ट्रेड में अप्लाई करेंगे वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, फिर आप जब सेकेंड जो है वो इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे बाकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, और जब थर्ड में अप्लाई करेंगे तब थर्ड प्रायोरिटी होगी। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लिखा हुआ आएगा ऊपर पॉपअप के, और फिर ऐसे फॉर्म फिल करने के बाद ऊपर आएंगे यहाँ राइट कॉर्नर पर, देख रहे होंगे यहाँ पे कह रहे हैं एड टू सबमिट, कुछ ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे क्लिक करें यहाँ पे पॉपअप खुल जाएगा कि आप अगर एक मतलब सबमिट कर देंगे तो फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप ओके करेंगे, जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा थैंक यू, और उसके बाद आप पोर्टल पे खोल नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ गो बैक टू होम लिखा हुआ आएगा, और इसके अलावा कब इंटरव्यू की कॉल लेके आएगी ये मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न बताऊंगा, जब आप लोग जो है वो ये जो है वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होना ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद ही जो भी अपडेट आएगी वो आप लोग को अपडेट करूँगा, ठीक है। तो इससे पहले किस तरीके से अप्लाई कर सकते थे, और जो आपको मैं आपको दिखाया कि आप प्ले लिस्ट चेक कर लें मेरी नेफ्टा की, तो इसमें ऐसी हार्ड एंड पॉलिसी नहीं कि आप आराम से अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी आ गई है, तो इस तरीके से ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए कहीं लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।